गेहूं में सिंचाई प्रबंधन। किसी भी फसल का बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए उसमें समय पर और उचित मात्रा में उसकी सिंचाई करना बहुत जरूरी है। अन्य फसलों की तरह गेहूं को भी समय पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि गेहूं की सिंचाई 6 बार करनी चाहिए, लेकिन गेहूं की सिंचाई मिट्टी के प्रकार और पानी की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। अगर आप अपने गेहूं की फसल की 6 बार सिंचाई करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, अर्थात आप केवल 1, 2 या 3 बार ही सिंचाई कर पाते हैं, तो आपके लिए गेहूं में सिंचाई प्रबंधन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गेहूं में सिंचाई की वो 6 अवस्थाएं कब कब आती हैं। पहली सिंचाई गेहूं के बुआई के 20 से 25 दिन के बीच शीर्ष जड़ निकलते समय करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई 40 से 50 दिन के बीच कल्ले फूटते समय करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन के बीच गांठ बनते समय करनी चाहिए। चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन के बीच पुष्पावस्था के दौरान करनी चाहिए। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन के बीच दूध भरते समय करनी चाहिए। और अंत में छठी सिंचाई 115 से 125 दिन के बीच दाना भरते समय करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश गेहूं की सिंचाई 6 बार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। 1. सिंचाई की स्थिति में आपको गेहूं की बुआई के 20 से 25 दिन के बीच जब शीर्ष जड़ निकल रहा हो उस समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये अवस्था गेहूं के लिए सबसे नाजुक होता है। अगर इस समय आपने सिंचाई नहीं की तो फिर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। 2. सिंचाई करने की स्थिति में आपको गेहूं के बुआई के 20 से 25 दिन के बीच शीर्ष जड़ निकलते समय तथा 80 से 85 दिन के बीच पुष्पावस्था के दौरान सिंचाई करनी चाहिए। 3. सिंचाई करने की स्थिति में आपको गेहूं के बुआई के 20 से 25 दिन के बीच शीर्ष जड़ निकलते समय, 60 से 65 दिन के बीच गांठ बनते समय तथा 100 से 105 दिन के बीच दूध भरते समय इसकी सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं सिंचाई का इस तरह उचित प्रबंधन कर तथा कम पानी का प्रयोग करते हुए समय पर सिंचाई कर, या यूं कहें कि सिंचाई के इस स्मार्ट तरीके को अपनाकर, आप एक तरफ बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्यादा सिंचाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको गेहूं की अगेती बुआई कब करें इसकी जानकारी देंगे। धन्यवाद।